जय हिंद। नमस्कार मेरे शेरशेरनियों, लाडो लाडली, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली SSC GD 2023 की फाइनल मेरिट को लेकर है। अभी इसके मेडिकल चल रहे हैं और मेडिकल में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको जानकारी बता देता हूं। आप सबने देखा होगा कि लगभग 90,000 बच्चों को पास किया गया है 50,000 सीटों के लिए। पद कितने हैं? 50,000 और पास किए गए हैं लगभग 90,000 बच्चे। अब जो मेडिकल हो रहा है इस बार, अब जितने भी बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ जो अकेडमी के बच्चे हैं वो सब अलग अलग राय दे रहे हैं। जैसे कुछ अभी एक बच्चे से मैंने बात की थी, उस बच्चे ने बोला कि 100 में से बोला सर 37 को ग्राउंड फिट किया गया, बाकी सब इनमें से लगभग 25 को डॉक्यूमेंट्स में बार कर दिया गया और जो बच्चे हुए थे उनमें लगभग सर 42 को रीमेडिकल दिया। रीमेडिकल में बोला कि 12 लोग हम आईज में थे, यानी जिसकी आईज में प्रॉब्लम थी उनमें से 9 को बाहर कर दिया, 3 को अंदर कर दिया। तो यहां पर 37 + 3 कितने हो गए? 40। और बोला सर बाकी जो बच्चे थे लगभग 30, इसमें से भी लगभग 10 से 12 लड़कों को फिट किया गया, बाकी को बाहर कर दिया गया। अगर हम 10 जोड़ भी तो कितने हो गए? 50। सेम मैंने दूसरी जगह एक दूसरे बच्चे को पूछा जो दूसरे सेंटर पर मेडिकल करा के आया था, तो उसने बोला कि सर 25 में से लगभग 12 बच्चों को फिट किया गया था और बाकी 13 को रीमेडिकल दिया गया था। रीमेडिकल में बोला सर पास अच्छे किए लेकिन फिर भी 6 बच्चों को बाहर कर दिया, तो लगभग 7 इधर। अगर ओवरऑल देखा जाए यहां पर इस रेशियो में लग रहा है कि 50% बच्चे मेडिकल फिट हो रहे हैं और इस रेशियो में लग रहा है कि 60-70% बच्चे मेडिकल फिट हो रहे हैं। अगर हम मान के चले हो, अगर हम कॉमनली मान ले, मैं आपको बता दूं 90,000 जो बच्चे जो पास हुए हैं इनमें से 10,000 ऐसे बच्चे होंगे जो या तो मेडिकल नहीं देंगे या वो डॉक्यूमेंट्स में बाहर हो जाएंगे। अब बच्चे 80,000 बच्चे, 80,000 बच्चों में कम से कम भी अगर मान, अगर हम रेशियो को 50% नहीं मान के 60% मान ले या 70% मान लेते हैं, तो 70% बच्चों को मान लीजिए रीमेडिकल और मिला के पास कर देते हैं, 30% को ही फेल करते हैं हम। एक जो अपने पास में जो जिस प्रकार से आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग सेंटरों के उस आधार पर, तो देखो 20 से 20 कट गए, 0, 0, 0 और 8×7=56। यानी 56,000 बच्चे लास्ट में मेडिकल फिट निकलेंगे और 50,000 पदों पर भर्ती होनी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो बच्चा इस बार मेडिकल फिट हो गया मान के चलो नौकरी पक्की है, समझे बात को, जो मेडिकल फिट हो गया मान के चलो नौकरी पक्की है, कोई संदेह नहीं है, समझ गए बात को। अगर आप मेडिकली फिट हो गए हैं एसएससी जीडी में, तो आपके अगर 2 नंबर भी ज्यादा है, आपके 4 नंबर भी ज्यादा है, आपके 6 नंबर भी ज्यादा है, घबराने की जरूरत नहीं है। हमने कम से कम 30% माना, जबकि रियल आंकड़ा इससे भी बड़ा होगा। मुझे तो ऐसा लगता है इस बार की सेकेंड लिस्ट भी आ सकती है मेडिकल के लिए, हो सकता है कि सेकेंड लिस्ट आए मेडिकल की, फर्स्ट लिस्ट से कंप्लीट ही नहीं हो कि 50,000 बच्चे भर्ती करने हैं और 50,000 बच्चे मेडिकल फिट भी ना हो, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो जो बच्चा मेडिकल फिट हो गया है अगर उसके कट ऑफ से 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर जितने भी ज्यादा है उसके नौकरी लगने के पूरे पूरे चांसेस है। हाँ, कुछ कैटेगरी वाइज अगर मेरिट आपके ऊपर नीचे हो जाए वो बात अलग है एज डिफरेंस की वजह से, बाकी आपके मेडिकल अगर आप फिट हो गए तो चांसेस बहुत ज्यादा है और सेकेंड लिस्ट आने का भी पूरा पूरा चांसेस है, ठीक है लाडलो। तो कट ऑफ कितनी जाएगी सर फाइनल मेरिट की? तो मैं आपको बता दूं, मुझे ऐसा लगता है हाईएस्ट से हाईएस्ट मैक्सिमम अगर किसी बच्चे के 5 नंबर+ है ना, वो अपना सिलेक्शन पक्का समझ सकता है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। कितने नंबर पे? 5 नंबर से ऊपर नहीं जाएगी लाडलो, इस बात का आप ख्याल रखना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।